नासिक रोड से ईश्वर पहुंच गए हैं। और पीछे देखो वो दिख रहा है वो बाबा का मंदिर। राम राम जय बाबा की सबको। तो भाई अब हैं हम नासिक रोड रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से त्र्यंबकेश्वर मंदिर कैसे जाएं, बस से, कार से या कोई और भी व्हीकल मिलता है, तो सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो नए स्वागत आप सभी का नए व्लॉग में। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर। कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है भाई, ये देख ले। नंबर है भाई 8930 922 345। कितने बजे तक रुकेंगे? 5:30। अभी बजे हैं 3:30, तो बस आएगी सुबह 6 बजे की। तो अभी 2 घंटे हम वेट नहीं कर सकते बाहर। तो ये AC रूम है, यहाँ किराए के साथ मिलता है 2 घंटे के लिए, नहाना धोना फ्रेश होना, बहुत बढ़िया रूम है। तो 75 रुपये का पे किया है भाई, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ इंतज़ार करते हैं 2 घंटा, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। भाई यहाँ सब कुछ मिलता है, बढ़िया सुविधा है। देख मैंने क्या क्या लिया है, एक ब्रश ली है, एक कोलगेट लिया है और एक तेल लिया। एक आदमी के लिए बेस्ट है, तो हर आदमी के लिए बढ़िया चीज़ है। कोई भी आए तो भाई यहाँ रुकना ज़रूर। और ये AC है, मतलब बढ़िया है भाई ज़्यादा भी। देख ये अदरा बढ़ने से पहले भाई देख शैम्पू ले लिया, साबुन ले लिया है। और अभी नहाने का वक्त हो गया, यहाँ पर फ्रेश होके नहा के अच्छा बढ़िया प्रबंध है भाई। देख मेरे पीछे जो भी है AC वेटिंग हॉल है, पैसे तो लगते हैं लेकिन सारी सुविधा है भाई, कुछ भी लो यार मज़ा आ गया। लेकिन भाई देख यहाँ अभी नहा लेते हैं, नहा के तैयार होके रेडी होके 6 बजे बताते हैं कि 6 बजे बस आएगी। जो भी है हम आपको बताते हैं किस प्रकार जाना है, कैसे जाना है और कैसे दर्शन करने हैं, सारी विधि और सारी पूरा तरीका आपको बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको। सुबह के हो गए हैं 5:30, अभी नहा लिए हैं, नहा के भाई बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब बाबा के दर्शन करने के लिए चलते हैं। यहाँ से आउट करते हैं, ये भाई आउट कर दिया है, अब आगे चलते हैं, बस पकड़ेंगे 6 बजे, 6 बजे की बस है और आगे की यात्रा शुरू करते हैं। मिलते हैं थोड़ी। मेरे पीछे जो है भाई नासिक रोड रेलवे स्टेशन है। अभी यहाँ से भाई बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल रेडी होके त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल चुका हूँ। और यहाँ पे बस मिलेगी शायद, जो भी बस आएगी या ऑटो से जाएंगे, जैसे भी जाएंगे आपको बताएंगे। अभी बस में बैठ लिए हैं, ACT सेवा बस है और ये त्र्यंबकेश्वर तक ले जाएगी। तो अभी बस में बैठते क्या किराया लगता है, कितना समय लगता है वो भी आपको बताते हैं। तो अभी बस में बैठते हैं, अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ऐसे भाई जाएगी अभी त्र्यंबकेश्वर, जय बाबा के भाई त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए हैं। और अब देखते हैं मंदिर की साइड है, प्योर पहाड़ियों से घिरा हुआ। ये देखिए श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर इधर है और ब्रह्मगिरी, यहाँ भी गोदावरी नदी जो गंगा नदी ही है। अभी आपको पूरा दर्शन, ये एरिया पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। घाट त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ब्रह्मगिरी और गंगा द्वार इधर है, देख के आपको बताएं। बहुत दूर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, बस ने बहुत दूरी उतार दिया था। चलते त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से यहाँ तक 50 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे का समय लगता है, बस वहाँ उतार देती है। तो बस में आओगे चाहे अपनी गाड़ी में आओ, बस में थोड़े दूर उतारते हैं। तो बाबा का दर्शन एक बार कर लीजिए। त्र्यंबकेश्वर पहुँच गए हैं, पूरा 1 घंटे का समय लगा है, बस ने दूर उतार दिए। तो मेरे पीछे देखो वो दिख रहा है, वो बाबा का मंदिर है पीछे, आगे फोन अलाउड नहीं है। देखे अभी आपको दर्शन करवाएंगे अगले ब्लॉग में। और भाई ये वीडियो कैसा लगा, ये यात्रा देखिए आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है।
तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसी ऐसी यात्रा बहुत करवाते हैं। तो नासिक से त्र्यंबकेश्वर की दूरी 50 किलोमीटर की है, बस से, ऑटो से, टैक्सी से आप आ सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय बाबा की जय।